नंबर 19 नंबर श्लोक निकालेंगे। पढ़ें सबसे पहले मैं, फिर आप बोलेंगे। बोले यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहु पंडितं बुधा। इसमें पिछले श्लोक में, इससे पिछले श्लोक में कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसके संबंध में चर्चा किया गया था। और साथ साथ कहा गया था व्यक्ति जो कर्म में अकर्म का ज्ञान रखता है, जो कर्म को अकर्म बना देता है, और जो अकर्म में कर्म को देखता है, वह जो है बुद्धिमान मनुष्यों में वह बुद्धिमान है, ये कहा गया। अब उसी बात को यहां पर फिर कह रहे हैं कि बुद्धिमान कौन है, पंडित कौन है, विद्वान लोग पंडित किसको कहते हैं। पंडित का अभिप्राय व्यक्ति आजकल जो है नाउडेज जो पूजा पाठ कराता है उसको पंडित कहते हैं। और जैसी आज भावना व्यक्ति की बन गई है कि जो संस्कृत पढ़ा हुआ होता है, जो पंडित होता है, बस वैसे ही जैसी श्रद्धा आज से 5000 साल पहले थी पंडितों के प्रति, वो श्रद्धा आज नहीं रही। उसका कारण स्वयं ब्राह्मण वर्ग ही है, उसका कारण स्वयं पंडित वर्ग ही है। अस्तु जो भी हो, परंतु यहां पर पंडित किसको कहते हैं इसके संबंध में बताया। उनके यस्य सर्वे समारंभा, जिसका जिस व्यक्ति का जो कर्म है, जो भी कार्य है, वह सभी कार्य काम और संकल्प से वर्जित है। जो किसी भी कार्य को कामना से रहित होकर के करता है और संकल्प से रहित होकर के करता है, उस व्यक्ति को पंडित कहते हैं, वह व्यक्ति पंडित है। सबसे पहले कर्म की बात कही गई है कि सभी कर्मों को काम और संकल्प। तो काम क्या है? काम का अर्थ है इच्छा, काम का अर्थ है कामना, इच्छा। और संकल्प भी एक जो है प्रतिज्ञा जो है वह भी एक इच्छा ही है, परंतु दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है, वेदोक्त जो कर्म है, कर्म का अभिप्राय सदा जहां पर भी गीता में कर्म शब्द आया है वह कर्म लेना है, वेदोक्त कर्म। क्या लेना है? वेदोक्त कर्म, वेदानुकूल कर्म लेना है, उस कर्म को लेना है। क्योंकि जिस समय यह गीता लिखी गई, जिस समय गीता का प्रवचन किया गया महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा, भगवान कृष्ण ने जो कुछ भी अर्जुन को कहा था और उन भावों को अपनी भाषा में महर्षि वेद व्यास जी ने जो लिखा, श्लोकबद्ध किया, उस समय कर्म का अभिप्राय वेदोक्त कर्म ही लिया जाता था। क्योंकि यह गीता उपनिषदों का सार है। कितने व्यक्ति कहा करते हैं इसके ऊपर कि गीता उपनिषदों का सार है, इसलिए गीता को पढ़ लो, और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कल एक
सज्जन आए थे दोपहर में, दीपावली में आए थे, तो वही हमसे मिलने के लिए आए थे, दक्षिण भारत गए। पति पत्नी दोनों आए थे और उन्होंने ऐसी बात कही कि गीता ये तो सबका, वेदों का सार है। तो फिर मैंने कहा उनसे, एकदम ठीक कर रहे हैं आप, गीता जो है वेदों का सार है, वो भी वेदों का, यजुर्वेद में जो 40वां अध्याय है उसका सार है, या चारों वेदों का सार भी यदि मान लेंगे। मैं कहा कि गीता का भी सार है। आप यदि इंडिया में भी देखेंगे तो छोटे छोटे जो ट्रैक रूप में निकलता है उसमें गीता सार करके लिखा हुआ रहता है। मैं बोला कि उसमें लिखा हुआ व्यर्थ की क्यों चिंता करते हो, तुम क्या लेकर के आओगे, आए हो क्या लेकर के जाओगे, इत्यादि चार पांच लाइन में है। तो उनसे मैंने कल पूछा, बोला गीता का सार तो केवल वह चार पांच लाइन है, तो क्या चार पांच लाइन आप पढ़ करके गीता आपने पढ़ लिया? तो बोले कि ना, गीता नहीं पढ़ा, क्योंकि तो चार पांच लाइन ठीक है, गीता का सार है, वह कौन समझता है जो गीता पूरा पढ़ा हुआ रहता है। जो गीता पूरा पढ़ा हुआ रहता है वही समझ सकता है कि वह जो चार पांच लाइन गीता का सार है, वह गीता का सार पढ़कर के कभी भी गीता का जो रहस्य है वह नहीं समझ सकता। ऐसे ही वेदों का सार गीता है, और केवल गीता को, जैसे उस चार पांच लाइन पढ़ करके हम गीता को नहीं समझ सकते, और समझेगा भी व्यक्ति वो पूरे गीता को पढ़ करके तो वह ठीक प्रकार से उसको समझ सकता कि किस भावना से कही गई है। ऐसे ही वेदों का जो सार गीता है, उस गीता को पढ़ करके भी वेद को नहीं समझ सकते। हाँ, वेद को पढ़ करके गीता को हम समझ सकते हैं कि इसमें सार रूप में क्या लिखा हुआ है। इसलिए वेद को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। वेद को बिना पढ़े गीता को नहीं समझ सकते हम, क्योंकि वेद या गीता जो है वेदों का सार है। गीता जो है यजुर्वेद का 40वां अध्याय जो है उसका सार है, उपनिषदों का सार है, और जिसका सार है उसमें कर्म जो है कुर्वन्ने वे कर्माणि दिदि विशेषतम समाह एवं कोई नान्य थे तो उसकी न कर्म लिप्यते नरे। व्यक्ति का कौन सा कर्म बंधन में नहीं डालता है, किस प्रकार कर्मों को वह करेगा तो वह कर्म उससे अटैच नहीं होगा, तो उसके लिए वहां पर जो कर्म शब्द आया है वह कर्म का मतलब है वेदानुकूल कर्म, और उसी का यह सार है। इसलिए यहां पर भी कर्म का अर्थ होना चाहिए वेदोक्त कर्म। ये नहीं कि कोई भी कर्म, आज जैसे जो पद्धति है पूजा पाठ की या जो कुछ भी क्रियाकलाप है उस कर्म को यहां पर नहीं लिया गया है। यदि आज वर्तमान में जो क्रियाकलाप है जो कुछ भी कर्म से लिया जाता है वह भी लिया जाता है जो वेदानुकूल है, परंतु अन्य जो भी अकर्म है उसको भी कर्म लिया जाता है। और उस आधार पर यदि हम गीता को पढ़ते हैं, गीता की व्याख्या करते हैं, तो गीता के साथ यह अन्याय है। बिना वेद को पढ़े गीता को पढ़ना, गीता को समझाना, यह गीता को समझाना नहीं है, गीता के भाव को, भावना को समझना नहीं है, कृष्ण भाव, कृष्ण भगवान के भाव को समझना नहीं है। तो यहां पर कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का सभी कर्म माने वेदोक्त जो शुभ कर्म है, जो भी शुभ कर्म है वेदोक्त शुभ कर्म है, वह सभी शुभ कर्म जब संका काम और संकल्प से रहित होता है जिस व्यक्ति का, तो काम क्या है, वेदोक्त जो कर्म है उसकी इच्छा करना, यह कामना है, यह काम है, और संकल्प क्या है, संकल्प यह है वह भी एक इच्छा है, परंतु तप स्वाध्याय इत्यादि
भक्ति के द्वारा तप करके स्वाध्याय करके ईश्वर भक्ति करके विद्या इत्यादि को प्राप्त करके और फिर कर्म की इच्छा करना यह संकल्प होता है, वह इच्छा संकल्प है, प्रतिज्ञा संकल्प है। तो बताया भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी वेदोक्त कर्म है, जो भी शुभ कर्म है, जब वह शुभ कर्म काम के और संकल्प से रहित होगा, हमें जो भी काम करें इसको यदि हम वेदोक्त कर्म तो है ही, जो भी शुभ कर्म है, शुभ कर्म माने आप जो है कर्म को दो भाग में बांट सकते हैं। एक कर्म है जिसका नाम है पाप कर्म। क्या है? पाप कर्म। तो पाप कर्म की तो यहां पर चर्चा की बात है ही नहीं, यहां पर है शुभ कर्म। तो शुभ कर्म और अब शुभ कर्म को ही हम को भी दो भाग में हम बांटेंगे, दो भाग में हमें बांटना चाहिए भगवान कृष्ण के आधार पर। एक वह जो कर्म है शुभ कर्म है, अच्छा जो कर्म है, पुण्य जो कर्म है, उस पुण्य कर्म को हम दो भाग में बांटेंगे। एक का नाम है सकाम कर्म। क्या नाम है? और दूसरे का नाम है निष्काम कर्म। क्या है? निष्काम कर्म। तो सकाम कर्म और निष्काम कर्म, जो वेदोक्त पुण्य कर्म है, वेद में जो कुछ भी पुण्य की बात कही है, जो भी कर्म कहा है, उस कर्म को यदि हम सकाम की भावना से करते हैं, कामना की इच्छा से करते हैं, फल की प्राप्ति की इच्छा से करते हैं, तो वही शुभ कर्म क्या हो जाता है? सकाम कर्म हो जाता है। और जब भी व्यक्ति अच्छे कार्य को, पुण्य कर्म को सकाम भावना से करेगा तो वह अच्छा व्यक्ति है, वह अच्छा मनुष्य है, परंतु उसको मुक्ति नहीं मिल सकती है, उसको मुक्ति नहीं मिलती है। जैसे हमने किसी को छात्रवृत्ति दिया पढ़ने के लिए, परंतु उसमें हमारे मन में भावना यह है कि हम जो ये शुभ कर्म कर रहे हैं, वेदोक्त जो पुण्य कर्म कर रहे हैं, ये जो मैं दे रहा हूं इससे मेरा नाम होगा। देखिए विचार ही है, यदि आप उस छात्रवृत्ति को आप गुरुकुल में जो सहायता करते हैं और सहायता करते हैं, कहीं पर कोई शुभ कार्य करते हैं, किसे बावड़ी बनाते हैं, तालाब बनाते हैं, और भी अनेक प्रकार के जो काम करते हैं, मंदिर जो टेंपल बनाते हैं, यदि हमारे मन में उससे फल की भावना होती है, यश की भावना होती है, तो वही कर्म अच्छा कर्म है, परंतु वह कर्म सकाम हो जाता है और उस व्यक्ति को पुण्य होता है, अच्छा जन्म मिलेगा, वह जैसा कर्म किया रहेगा अच्छा पुण्य, उसके आधार पर वैसे लोक लोकांतर में परमात्मा उसको भेजेंगे। क्योंकि पृथ्वी केवल इतना ही नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है कि हम इस संसार से जब जाएंगे तो इस पृथ्वी पर ही जन्म लेंगे, कोई जरूरी नहीं है। हमने जैसा कर्म किया है, पुण्य कर्म किया है, उस पुण्य कर्म के आधार पर परमात्मा उसकी योग्यता को समझ करके वैसे लोक लोकांतर में भेज देता है, जहां पर वह जाकर के अपने गुण की, अपने ज्ञान को, अपने आध्यात्मिक स्थिति को और वृद्धि करता हो। क्योंकि पृथ्वी केवल क्या एक है, और वो है पृथ्वी की गणना नहीं है, केवल इतना ही नहीं पृथ्वी है, आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है कि केवल इतना ही पृथ्वी नहीं है, चंद्रमा केवल इतना ही नहीं है, सूर्य केवल इतना ही नहीं है, बहुत सारे हैं जिसकी गिनती नहीं की जाती, वहां पर परमात्मा उसको भेज देता है जो सकाम कर्म करता है, पुण्य कर्म सकाम भावना से जब करता है, और वही कर्म जब निष्कामता से करता है, कामना की भावना से जब नहीं करता है, फल के कामना की भावना से जब नहीं करता है, फल के संकल्प की भावना से जब नहीं करता है, तब वह व्यक्ति मुक्ति के योग्य होता है और फिर वह मोक्ष को प्राप्त होता है। तो यहां पर यही भगवान कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि
फलों की जो कामना है, वेदोक्त कर्म भी कामना और संकल्प से रहित होकर के जब किया जाता है, करने वाला जो व्यक्ति है तत्वतः मूलतः वह पंडित कहलाता है, विद्वान लोग उसको पंडित कहते हैं। और साथ साथ कहा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं, जो अपने कर्म को, कर्म का मतलब क्या है बोलिए, अभी मैं क्या बताया कर्म का मतलब क्या है, वेदोक्त कर्म, पुण्य कर्म, शुभ कर्म, तो जो शुभ कर्म है, जो वेदोक्त कर्म है, जो पुण्य कर्म है, वेदोक्त कर्म ही पुण्य कर्म है, इतना जान लीजिएगा। एक आपको विचार के लिए दे दिया हूं, और वेद जब पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, वेदोक्त कर्म ही पुण्य कर्म है, और वेद के अलावा, वेद के विरुद्ध, वेद ने कहा कि जुआ मत खेलो, वेद ने कहा जुआ अक्षय माध्य, यह है पुण्य कर्म जुआ ना खेलना। अब जो भी जुआ खेला होगा, चाहे वह महाभारत में खेला हो, चाहे आज खेलता हो, दीपावली पर खेलता हो, लक्ष्मी पूजा में करता हो, सब पाप कर्म कर रहा है, सब पाप कर रहा है, क्योंकि वेद से विपरीत है। तो वेद ने कहा कि पशुन पाही, पशुओं की रक्षा करो, ग्राम में पशुओं की रक्षा करो, और उसके बाद यदि कोई गाय की, गाय को काटता है, जो भी बकरी इत्यादि को काटता है, तो वह वेद से विरुद्ध है। वेद में अहिंसा की बात कही है, वेद में सबके प्रति प्रेम की बात कही है, और उसका यदि कोई भी व्यक्ति मांस का प्रयोग करता है, वेद में कहा सबकी रक्षा करो, सबको प्रेम की भावना से करो। देखो कितने व्यक्ति क्या कहते हैं, कितने व्यक्ति कहते हैं कि हम जो ये कर रहे हैं, हम जो बलि दे रहे हैं, वो हम थोड़े, वो तो भगवान को दे रहे हैं, दुर्गा माँ को दे रहे हैं, काली माँ को दे रहे हैं। अच्छा बताओ, दुर्गा तो भगवान है, दुर्गा ईश्वर है, काली ईश्वर है, और हम सब ईश्वर के संतान हैं, हम सभी ईश्वर के संतान हैं, ईश्वर के पुत्र हैं। क्या मनुष्य ही ईश्वर के पुत्र हैं कि प्राणी मात्र ईश्वर के संतान है? प्राणी मात्र ईश्वर के संतान है। तो जैसे हम दुर्गा के संतान हैं, जैसे हम काली के संतान हैं, ऐसे ही तो वो सामने जो गाय है, जो भैंस है, जो बकरी है, जो मछली है, वह ईश्वर का संतान नहीं है। अच्छा, कोई भी मां अपने बच्चे को मार सकती है क्या? हत्या कर सकती है? कोई भी नहीं कर सकती। तो जैसे एक लोक व्यवहार में हम देखते हैं कि जैसे हमारी मां हमारी हत्या नहीं कर सकती, हमारी बलि नहीं ले सकती, ऐसे ही दुर्गा मां जब सबके संतान है, तो कैसे जो है वह अपने बेटा का बलि ले सकता है और उसको वह खा सकती है? नहीं खा सकती। इसीलिए ये अंध परंपरा है, लोग में जिसको पुण्य माना जा रहा है, इसको हमारा जहां गुरुकुल है वहां पर हर दुर्गा पूजा में 150-200 जो है काटा जाता है, 150-200 बकरी को, खसी को काटा जाता है। वहां पर मैंने बोला था कि यदि जिस दिन यहां से समाप्त हो जाएगा, उस दिन मैं यहां पर बहुत बड़ा मैं धर्मशाला बना दूंगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यह वेदोक्त कर्म नहीं है, और उस कर्म को करेगा वह पुण्य कर्म नहीं है, पाप कर्म है। इसलिए कहा कि यहां पर जिस व्यक्ति का जो कर्म है वह ज्ञान रूपी अग्नि से जल गया है, जिसने अपने कर्म को जला दिया है, वेदोक्त कर्म को भी जला दिया है, पुण्य कर्म को भी जला दिया है। पुण्य कर्म को जलाने का मतलब क्या हुआ? पुण्य कर्म को, क्योंकि बिना कर्म किए तो व्यक्ति एक क्षण रह भी नहीं सकता। यहां पर पुण्य कर्म को जलाने का अभिप्राय यह है कि हम जो भी कर्म करते हैं सकाम भाव से, और जब सकाम भाव से हम कर्मों को करते हैं तो उसका संस्कार मन के ऊपर पड़ता है, आत्मा के ऊपर पड़ता है संस्कार। कोई भी चीज, एक हम बचपन में पढ़ा करते थे कि एक हिंदी में, अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, प्रणोद, हम कांटी है, एक कील है, कील को यदि हम दीवार में ठोकते हैं
और उस पर हम मारे हथौड़ी से जो हैमर से जो ठोके तो जो जितने ही जोर से ठोके उसको प्रणोद दाब उसमें प्रेशर जो लगा वो जितने जोर से ठोके उसका भी उसके ऊपर दीवार के ऊपर प्रभाव पड़ा। हम यदि यहां पर ऐसे मार रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि इसका संस्कार इसके ऊपर नहीं पड़ रहा है। इतने ही जोर से यदि प्रत्येक दिन यदि मारते रहें 24 घंटा मारते रहें तो ये क्या है धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा और फिर टूट जाएगा। तो हम जो भी कर्म करते हैं उसका सकाम भाव से कर्मों को जब करते हैं फल की इच्छा से जब कर्मों को हम करते हैं तो उसका प्रभाव किस पर पड़ता है मन के ऊपर पड़ता है। उस प्रभाव का नाम ही संस्कार है, उस प्रभाव का नाम ही वासना है। तो उस कर्म जो किया सकाम भाव से वेदोक्त पुण्य कर्मों को और उसका जो प्रभाव आत्मा पर पड़ा मन पर पड़ा उस जो पड़ा है संस्कार उस संस्कार को जिसने जला दिया ज्ञान रूपी अग्नि से ऐसे व्यक्ति को पंडित कहा गया है। वही व्यक्ति पंडित है और यह जलेगा कैसे क्रिया योग से जलेगा। किससे जलेगा बोलिए क्रिया योग। यदि हम अपने अंदर जो संस्कार हम पुण्य कर्म कर रहे हैं हम मेडिटेशन कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं परंतु जब तक वह जन्मों जन्मांतरों का न जाने भगवान कृष्ण क्या कहते हैं चतुर्दशी के पहले पाद में वह चतुर्दशी का पहला जो श्लोक है उसमें क्या कह रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि मैंने इस योग को सूर्य को सबसे पहले दिया। इसका मतलब क्या है कृष्ण भगवान का जन्म जिस समय सूर्य था सृष्टि के आदि में जो ऋषि हुए सूर्य नाम का उस सूर्य को भी मैंने दिया अब परमात्मा ने दिया। अब बताइए उस समय यदि कृष्ण भगवान यदि नहीं होते सृष्टि के आदि में तो कैसे वो जानते कि भगवान ने उसको दिया या मैंने दिया। इसका मतलब यह है कि ये जन्म जन्मांतर अनेक इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को हे अर्जुन मैं अनेकों जन्मों को जानता हूं पर तो तुम नहीं जानते। तो हम सभी जितने हैं अनेक जन्म ले लिए हैं ये नहीं कि आज ही वर्तमान में है अभी पीछे भी थे और आगे भी रहेंगे क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है आत्मा तो सोल इज इमोर्टल सोल जो इमोर्टल है आत्मा जो अविनाशी है। इसीलिए हम न जाने कितने जन्मों से पाप भी करते आ रहे हैं पुण्य भी करते आ रहे हैं और पुण्य में भी ऐसा भी है एक मनुष्य का जन्म सामान्य मनुष्य का जन्म कब होता है पता है सामान्य मनुष्य का जन्म होता है जब व्यक्ति पाप और पुण्य दोनों करता है। जब पाप और पुण्य दोनों करता है दोनों का जब बैलेंस जो है बराबर होता है साम्य अवस्था होती है तो उसका साधारण मनुष्य में जन्म होता है। और जब व्यक्ति के अंदर पुण्य अधिक हो जाता है और पाप कम हो जाता है तब उस मनुष्य में ही देवत्व देव योनि को प्राप्त करता है। और ऐसा भी है कि जो व्यक्ति किसी एक अंग से कोई पाप किया और सबसे पुण्य ही कर रहा है तो भगवान देखते हैं भगवान तो सर्वज्ञ हैं गॉड इज ओमनिसिएंट गॉड सर्वज्ञ है वह सब कुछ जानता है सबको देखता है। कल्पना कीजिए किसी व्यक्ति ने कान से बहुत पाप किया कान से बहुत पाप किया जो उसको सुनना चाहिए वो ना सुन करके ऐसे चीजों को सुना जो कि नरक की ओर ले जाने वाला है जो समाज को हानि पहुंचाने वाला है जो आत्मा को हानि पहुंचाने वाला है तो क्या करेगा भगवान अगला जन्म। और किसे वह आंख से अच्छा किया हाथ से अच्छा किया पैर से अच्छा किया जितने भी इंद्रियां हैं उन सब से अच्छा कर्म किया परंतु कान से गलत किया तो अगला जन्म परमात्मा क्या करेंगे उसको जेल में बंद कर देंगे। कैसे जेल में जैसे कोई गलत कार्य करता है उसको जेल में बंद कर दिया जाता है तो वह कान ही परमात्मा उसको ले देंगे अर्थात उसको बहरा बना देंगे। यदि कोई आंख से गलत कार्य किया तो आंख ही छीन लेंगे। इसलिए कोई व्यक्ति जन्म से ही जन्मांध ही होता है कोई जन्म से ही बहरा होता है। एक तो ऐसा है कि जन्म लिया
जन्म लेने के बाद इतना शब्दों को सांड को सुना कि सुनते सुनते उसके पर्दा फट गया और बहरा हो गया, तो अभी का प्रभाव है। परंतु जो कुछ भी जन्मांध है, जो जन्मांध है, जन्म से बहरा है, जन्म से लंगड़ा है, जन्म से हाथ से इत्यादि है, वह वैसा उस प्रकार का कर्म किया पुण्य करते हुए भी कि उसका परमात्मा ने उसके उस अंग को छीन लिया। परंतु जो व्यक्ति सभी अंगों से पुण्य ही पुण्य करता है और जो सभी अंगों से पाप ही पाप करता है, उसको क्या करता है? जो पाप अधिक करता है, पुण्य कर्म करता है, उसको तो फिर पशु इत्यादि योनि देते हैं, और जो पाप ही पाप करता है उसको स्थावर योनि देते हैं, वृक्ष इत्यादि योनि देते हैं। जितने भी वृक्ष इत्यादि जो योनि है ना, मनुष्य इत्यादि को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो वृक्ष इत्यादि इसमें सब में आत्मा है, इसमें वृक्ष इत्यादि में, और ये योनि जो हर अंग प्रत्यंग से पाप कर रहा होता है उसको वृक्ष योनि, वृक्ष इत्यादि जो स्थावर योनि है उसमें जन्म मिलता है। और जो व्यक्ति पुण्य ही पुण्य करता है परंतु उस पुण्य को सकाम भाव से जब करता है तो उस सकाम भाव से वह किया परंतु वह मुक्ति को तो प्राप्त नहीं होगा, परंतु ऐसे स्थान पर उसका जन्म होगा जिससे कि वह उसके माध्यम से और फिर आगे बढ़ सके, ऐसे वातावरण में जन्म होगा। परंतु उसी को जब निष्काम भाव से करता है तो वह सकाम भाव से जो कर्मों को किया और उससे जो आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ा न जाने कितने जन्मों से है, उस संस्कार को जो व्यक्ति जला देता है ज्ञान रूपी अग्नि से, तपस्या रूपी अग्नि से, तो ऐसे व्यक्ति ही पंडित कहलाता है। वह ज्ञान रूपी अग्नि कैसे होता है? तो वह क्रिया योग से हम उस संस्कार को जला सकते हैं, जिसको योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं क्रिया योग। आजकल क्रिया योग का भी बहुत प्रचलन है, क्रिया योग का भी उत्पटांग अर्थ करते हैं, क्रिया योग अपनी अपनी तरह की व्याख्या करते हैं, बोले हम क्रिया योग कर रहे हैं। क्रिया योग क्या पता है? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग। क्रिया योग किसका नाम है बोलिए? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानी क्रिया योग, यही क्रिया योग है। इसके अलावा जो भी संसार में भ्रांति है क्रिया योग से, वह सब भ्रांति है, वह परमात्मा से दूर करने वाला है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तप का नाम क्रिया योग है। किसका नाम क्रिया योग है जी? स्वाध्याय का नाम क्रिया योग है और ईश्वर समर्पण का नाम क्रिया योग, तीन का नाम क्रिया योग है। और तप क्या है? तो तप के संबंध में ऋषियों ने कहा कि ऋतम तप, सत्यम तप, शांतम तप, समस्तप, देखिएगा दमस्तप, दानं तप, यज्ञं तप, ये तप है। पढ़ो उपनिषद को, तप का मतलब ये कभी नहीं है, अब समय नहीं है कि अभी मैं व्याख्या करूंगा इसका, परंतु तो अगले अवश्य आप लोग आइएगा इसकी व्याख्या करूंगा तप क्या चीज है। ऋतम तप, किसी भी पदार्थ का यथार्थ ज्ञान करना, ये ऋत कहलाता है। ये जो पदार्थ है सामने माइक, यह इसका यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, ऊपर नीचे सब कुछ, तो ये तप है, इसका ज्ञान प्राप्त करना। पृथ्वी है, शरीर है, आत्मा है, इस सब का यथार्थ ज्ञान करना तप है, सत्य का पालन करना तप है। तो अब समय हो गया है, क्योंकि तो तप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ईश्वर प्रणिधान करेंगे, तब ही जो है हम योगाभ्यास के माध्यम से अपने अंदर जो कर्म है, कर्म का जो संस्कार है, उसको जला सकते हैं, और जब जलाएंगे तभी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इतने ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम सम।